नमस्कार दोस्तों, स्वागत है DTH Tips YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई नया बॉक्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे सॉलिड 6363 एंड सॉलिड 6141। तो इन दोनों बॉक्स में आपको कौन सा बॉक्स अच्छा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें कौन सा बॉक्स लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरे बॉक्स की भी मैं बात करूंगा। तो दोस्तों अभी एक ज़माना था कि सॉलिड का 6141 पॉपुलर बॉक्स था। ये बॉक्स मुझे भी बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे तो दोनों बॉक्स बहुत पसंद है, लेकिन ये बॉक्स काफ़ी बंदों को पसंद है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में ये दोनों बॉक्स के बारे में बात करूँगा। दोस्तों इसमें मैं आपको मेन बातें बताऊँगा। इसमें जो नॉर्मल बात है कि USB दो साइड आता है, फिर YouTube आता है, फिर आप इसमें बहुत सारी सिस्टम USB से मूवी प्ले कर सकते हैं, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट बातें वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस बॉक्स में एक सिस्टम आते थे कि इस बॉक्स से आप मोबाइल में अपना TV देख सकते थे, लेकिन ये सिस्टम अभी बंद हो गई है। तो आप इसके लिए ये बॉक्स ले रहे तो मत लो, क्योंकि ये सिस्टम आपको अब नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अभी इस दोनों बॉक्स में मुझे ये बॉक्स ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादा क्यों पसंद है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि ये दोनों बॉक्सों में सिग्नल का मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यानी कि आप ये बॉक्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानी दूर होगी। अगर आपके एरिया में थोड़े सिग्नल वीक है तो भी आप अच्छे से TV देख पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो देखिए अभी मेरा डिश लगा 6 फीट का इंटरसेट 20 फीट। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स में आपको सिग्नल चेक करके दिखाता हूँ, इसके बाद इस बॉक्स में चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए अभी मेरा सोनी मैक्स चैनल लगा है और इसका मैं आपको सिग्नल दिखा रहा हूँ। तो मैं इन्फो प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं 77% सिग्नल दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा 77% सिग्नल दिखा रहा है। अभी दोस्तों हम यही केबल, जो केबल है वो 6141 में डालेंगे और इसमें देखेंगे इसमें हमें कितना सिग्नल मिलता है। तो मैंने केबल निकाल दिया और 6141 बॉक्स में लगा देता हूँ। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर कोई TP का सिग्नल वीक आ रहा है तो आप ये बॉक्स लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि ये TP आपको सही से रिसीव हो जाएगी और आपका TV कंप्लीट चलेगा। तो मैंने 6141 भी लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये है 6141 का मेनू। तो इसमें मैं आपको सोनी मैक्स का सिग्नल दिखा रहा हूँ। देखिए यह है मैक्स हिंदी। तो देखिए हमें इसमें 68% सिग्नल मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 68% सिग्नल, यानी कि सॉलिड का 6363 बॉक्स से इसमें 10% सिग्नल कम होता है। तो अगर आपका एरिया में थोड़ा सिग्नल कम है और आपको थोड़ा मुश्किल सेटेलाइट सेट करना है तो आप ये बॉक्स यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दोस्तों मैं दूसरी बात कर लेता हूँ कि इसमें 8 MB का सॉफ्टवेयर लगता है, इसमें 4 MB का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें आपको वाटरऑल सॉफ्टवेयर अभी नहीं मिलता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा इंटरसेट 20 लगा है और इसमें सोनी मैक्स क्रैम्बल आ रहा है, यानी कि मैक्स चैनल नहीं चल रहा, यानी कि आपको वाटरऑल नहीं मिलेगा, पावर भी वाटरऑल नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये बॉक्स लेंगे तो आपको इसमें वाटरऑल सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो मैंने अभी डाला हुआ, इसका अपडेट आपको हर महीने मिलता है, इसका वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ हर महीने, आप देखते होगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने केबल लगा दिया है, अब मैं ये बॉक्स बंद करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा चैनल चेंज हो गया है मैंने, क्योंकि दोनों में सेम ही रिमोट चलता है, इसलिए थोड़ा चैनल चेंज हो गया है। मैं आपको सोनी चला के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सोनी मैक्स देखिए कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। इसके साथ आप देखेंगे तो आपको एशिया सेट भी कम्प्लीट वर्क करेगा। तो मैं इसके भी कुछ चैनल दिखा देता हूँ। तो ये एशिया सेट, तो इसका भी देखिए सोनी का पैकेज कम्प्लीट ऑटो रोल आपको मिल जाता है।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप ये बॉक्स लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको वाटर रोल मिल जाता है, फिर इसमें आपको सिग्नल भी थोड़ा इंक्रेज करता है, और इसके अलावा आप इसमें YouTube देख सकते हैं, और एक फैसिलिटी आपको ज़्यादा मिलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मैंने वीडियो भी डाला था। इसमें आप बॉक्स से मोबाइल से डिश एंटीना सेट कर सकते हैं। इसमें आपको सेट फाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको किसी भी बॉक्स में नहीं मिलेगा, येलो बॉक्स में मिलेगा, लेकिन इंडिया मेड कोई भी बॉक्स में आपको ये सिस्टम नहीं मिलती। दोस्तों अभी आप देखेंगे इंडिया में तो ये बॉक्स बहुत ही अच्छा। और दोस्तों इसका प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोस्तों ये दोनों बॉक्सों में आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आप होलसेल में लेंगे तो आपको 850 से 900 में मिलेगा, और लोकल मार्केट में 1000 से 1100 में मिलता है। और दोस्तों ये बॉक्स आपको होलसेल में 1100 के आसपास मिलता है, और लोकल में लेंगे तो 1200 या 1400 में भी मिल सकता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये बॉक्स लेना चाहिए, इसमें बहुत ही अच्छी सिस्टम मिलती है। आप डिश का शौक रखते हो, आप बहुत सारे फ्री टू एयर चैनल देखना चाहते हो, तो प्लीज़ ये बॉक्स ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो मैं और भी बॉक्स के बारे में बता सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।